खोल रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। दिल्ली से ही चर्चा में आए, दिल्ली से ही विवादों में घिरे, और क्या अब कन्हैया कुमार दिल्ली से ही चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं? 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया अब दिल्ली में मनोज तिवारी को टक्कर देने जा रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हर तरफ है। अटकलें हैं कि कन्हैया कुमार दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। बीजेपी ने इस सीट पर मनोज तिवारी को चुना है। मनोज तिवारी इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्हें बीजेपी ने फिर से इस बार टिकट दिया। मनोज तिवारी सीट पर लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में सीट पर अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो उनका सीधा मुकाबला मनोज तिवारी से होगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, दिल्ली में कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, मगर अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी का पता नहीं है, जबकि बीजेपी पहले ही अपने 7 उम्मीदवार उतार चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सहयोगी आम आदमी पार्टी भी अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ अचानक कन्हैया कुमार के नाम की चर्चा होने से पार्टी लीडरशिप उलझन में है, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जबकि चांदनी चौक सीट पर भी किसी महिला को टिकट देने की चर्चा होने लगी है। इससे पहले यहां संदीप दीक्षित और जेपी अग्रवाल को दावेदारों की लिस्ट में आगे माना जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया कुमार का नाम AICC की तरफ से आया है। ऐसे में दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में कन्हैया कुमार ने लेफ्ट के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। उस दौरान बीजेपी ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा था। ऐसे में बेगूसराय में कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में लेफ्ट को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कन्हैया 2015 में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद बड़े विवाद का भी हिस्सा बने थे। जब 2016 में देशद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, वहीं कांग्रेस को यही डर है कि अगर दिल्ली से उन्हें उतारा जाता है तो बीजेपी कन्हैया का पुराना विवाद फिर से ताजा कर सकती है और देश विरोधी नारों को लेकर एक बड़ा नैरेटिव बना सकती है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2009 में पहली बार यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा। मनोज तिवारी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को शिकस्त दी। मनोज तिवारी को 1.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता शीला दीक्षित को शिकस्त दी। इस बार भी बीजेपी ने मनोज तिवारी को इस सीट से मैदान में उतारा है, जिनसे वो इस सीट पर हैट्रिक की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.